हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों से हमारे गांव में आम से बनने वाली एक रेसिपी शेयर कर रही हूं। इसे गांव में आमरस कहते हैं। इसके लिए मैंने ये दो कलमी आम ले लिए हैं। आमरस बनाने के लिए हम कलमी आम के अलावा कोई दूसरा आम भी ले सकते हैं, मगर कलमी आम का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। सबसे पहले हम आम को अच्छे से धो लेंगे, फिर उसका छिलका निकाल लेंगे। ये देखिए, मैंने आम को अच्छे से छील लिया है। अब हम इसके छोटे छोटे पीसेस करके ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। इस तरह से पीसेस करना है और मैंने गुठली अलग कर लिया है। अब हम इसमें शक्कर मिलाएंगे। मैं आधी कटोरी शक्कर ले रही हूँ। ये आम थोड़ा खट्टा मीठा होता है, इसलिए इसमें शक्कर ज़्यादा लगेगा। शक्कर की क्वांटिटी आम के टेस्ट के ऊपर निर्भर है। अगर मीठा आम होगा तो आप शक्कर की मात्रा कम लें। अब हम इसे मिक्सी में अच्छे से पीस लेंगे। पीसते समय हमेशा पल्स मोड में ही पीसें। ऐसा करने से आम के छोटे छोटे चंक्स रह जाते हैं, इससे आमरस बहुत अच्छा बनता है। देखिए, इस तरह से ग्राइंड करना है हमें। ग्राइंड करते समय हम इसमें दूध या पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। इसको ऐसे ही चीनी के साथ पीसना है। अब हम इस मैंगो प्यूरी को मिल्क में मिक्स करेंगे। इसके लिए मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है। आप अपने प्यूरी के अकॉर्डिंग दूध की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दूध प्योर ही लेना है और अच्छे से उबाल कर ठंडा कर लेना है। अब हम इसमें मैंगो प्यूरी को मिला देंगे। मैंने सारे प्यूरी मिल्क में ऐड कर लिए हैं। अब इसको अच्छे से चम्मच से मिक्स करना है। चम्मच को इस तरीके से चलाते हुए हमें मिक्स करना है। हम जब मिक्स कर रहे हैं तो इसमें पानी वगैरह का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। ये प्योर दूध में बनता है, तभी इसका फ्लेवर अच्छा आता है। हमारा आमरस बनकर रेडी हो गया है। देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके की होनी चाहिए। इस तरीके से बनाने से आमरस का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप भी आमरस की इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं।